जैसे कि ना दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहता हूँ, और भी इस तरीके के इससे रिलेशन में आपको कई चीज़ों के वीडियो बना के क्लियर करता रहूँगा बातों को। राहु और केतु से राजयोग किस तरीके से सबसे बेस्ट बनते हैं वो मैं आप लोगों को सिंपल और क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, अपनी बुद्धि और बुद्धि के हिसाब से, अपने जो शास्त्रों में भी लिखा है उनसे लेके, जो गुरुओं से सीखा है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं उसके लिए अति आभार है। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, आपकी कोई समस्या हो, जीवन में बर्थ चार्ट अपना बनवाना हो, आपको नहीं पता है आपके राहु केतु कहाँ बैठे हैं, कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं, आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, आप अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर फ्लैश होते रहते हैं वीडियो में भी, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। दोस्तों देखिए, राहु और केतु के ऊपर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है कोई, अभी मेरी यात्रा यूट्यूब पे शुरू हुई है, और प्रभु की कृपा से आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत विश्वास दिया है आप लोगों ने, और उसके लिए मैं हमेशा से बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और अवश्य सारे प्लैनेट्स के बारे में बता रहा हूँ एक एक करके, और उनके ऊपर काफ़ी फिर बाद में विस्तार भी करता रहूँगा। और अभी राहु केतु का नंबर नहीं आया है, लेकिन दोस्तों ये उन लोगों के किन्हीं की दशा चल रही है किसी के जीवन में, अगर राहु केतु की किसी के जीवन में राहु केतु किस घर में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कई प्रकार के मन में डाउट्स रहते हैं लोगों के। तो ये कोशिश कर रहा हूँ एक सिंपल बहुत ही तरीके से आपको बताने की, कि आप खुद ही जज कर सकते हैं अपनी पत्री में देख के कि आपका राहु और केतु आपकी पत्नी में कितना शुभ करेंगे और कितना किसी प्रकार का वो हार्म करने बैठे हुए हैं। दोनों छाया ग्रह हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हम सबकी लाइफ में, हम सबके लाइफ में, अब हमारे जीवन में एक अंग है राहु और केतु, और हर प्रकार का जो है इन लोगों को सम्मान पदवी प्राप्त है चीज़ों में, और शुभ हैं कई चीज़ों के लिए अगर शुभ होने को आए, और कई चीज़ों के लिए बड़े मारक हैं अगर उस तरफ चले जाएं तो। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ बहुत सिंपल वे में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें घर में जब किसी की भी पत्री में राहु केतु बैठे होते हैं, तो या कोई भी मैलिफिक प्लैनेट बैठे होते हैं, मंगल है, सूर्य है, शनि है, तब कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि ये बहुत ज़्यादा जो है शुभ यहाँ पे वो लोग करते हैं, वहाँ पे इन लोगों को बल प्राप्त होता है जो मैलिफिक प्लैनेट होते हैं या जो इस तरीके के प्लैनेट होते हैं, मंगल, शनि और कठिन प्लैनेट जितने भी होते हैं और राहु केतु। और दोस्तों ये लोग शुभ कब करते हैं, तो राहु और केतु के लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक पत्री का जो पहला घर होता है, चौथा घर होता है, सातवां घर होता है और दसवां घर होता है, उसको कहा जाता है केंद्र स्थान। और जो पत्री का पांचवा स्थान होता है और नौवा स्थान होता है, उसको कहा जाता है त्रिकोण स्थान। ये पत्री के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहले घर को केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी कहा जाता है, जिसको लगन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो पहले घर के ऊपर बना चुका हूं दोस्तों। तो खैर, यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं राहु केतु की। तो देखिए, किसी की भी पत्री में अगर राहु केतु छठे में बैठा होगा तो राहु उसके सामने बारहवें में बैठा होगा, राहु छठे में बैठा होगा तो केतु जस्ट उसके ऑपोजिट बारहवें में बैठा होगा। अब छठे वाले हम लोग 3, 6 और 10, 11 इन भावों में राहु और केतु क्या करते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में, कि जब इन लोगों का एक्सिस एक साथ होता है, जब राहु और केतु एक घर में, राहु पहले घर में बैठा हो और केतु छठे घर में बैठा हो, तो क्या करते हैं दूसरे घर में बैठा हो, और वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो राजयोग कब करते हैं, वो आपके पत्री में कब पूर्ण फल प्राप्त करेंगे, देंगे आप लोगों को, हर तरीके का बेनिफिट आप लोगों को प्रदान कब करेंगे राहु और केतु। तो दोस्तों देखिए, उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए वृश्चिक लग्न को,
कि जिनका ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक लग्न लेके राहु और केतु का बता रहा हूँ, जो जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान सबसे शुभ होते हैं। अब ज्योतिष में कहा जाता है कि जब केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठता है, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करता है या एक दूसरे के घर में बैठ जाता है तो बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट होता है। तो उसी पद्धति पे चलते हुए हम लोग उदाहरण के तौर पे लेते हैं जैसे वृश्चिक लग्न, जैसे मैंने आपको कहा। अब वृश्चिक लग्न में मान लीजिए आपके राहु बैठे हुए हैं दसवें स्थान पे और केतु बैठे हुए हैं चौथे स्थान पे, तो ये एक राजयोग की पहली स्थिति सीढ़ी पूरी हुई कि अब ये लोग यहाँ पे सुंदर काम करेंगे। वजह क्यों? क्योंकि पहले ही जो है वो छाया ग्रह हैं राहु और केतु, जहाँ बैठेंगे उसके अनुरूप काम करेंगे, जिसकी राशि में जो लॉर्ड होगा उसका कहना मानेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए राहु और केतु, उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं दसवें स्थान पे, केतु बैठे हुए हैं चौथे स्थान पे। अब ये लोग एक इन्होंने सीढ़ी पार करी कि इन लोगों का ये एक राजयोग कारी स्थिति बन गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वृश्चिक लग्न का ही उदाहरण लेते हुए इनके जो त्रिकोण के स्वामी हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हो गए इनके बृहस्पति पांचवें घर के और दूसरे त्रिकोण के स्वामी नौवें घर के स्वामी हो गए चंद्रमा। अब बृहस्पति मान लिया दसवें घर में जाके राहु के साथ बैठ गए। अब यहां पे राहु आपको प्रबल राजयोग प्रदान करेगा। अब आप कह सकते हैं कि आपका राहु अब बेस्ट पोजीशन में है राजयोग देने के लिए, वो वैसा ही फल प्रदान करेगा जैसे कि यहाँ पे इस समय आप मान लीजिए सूर्य बैठे हुए और आपको बृहस्पति के साथ एक केंद्र का और एक त्रिकोण का स्वामी मिलके जो आपको फल प्रदान करता, अब वो वैसा फल प्रदान आपको करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए आपको मैं देता हूं इस चीज का कि अब अगर राहु और केतु जो हैं तीसरे और नौवें स्थान पे बैठे हैं, मान लिया ये मान लिया कि वृश्चिक ही लग्न है, उदाहरण ले लिया। अब आपका राहु जो है अगर नौवें स्थान पे बैठा है यहाँ पे, और अब यहाँ पे एक उन्होंने फिर से पॉइंट क्लियर कर दिया कि या तो वो केंद्र में बैठे होंगे या त्रिकोण में बैठे होंगे, तो उन्हीं के स्वामी की तरह काम करेंगे और त्रिकोण और केंद्र सबसे शुभ स्थान है। तो मैंने आपको केंद्र का उदाहरण दे दिया। अब अगर वो त्रिकोण में बैठे होंगे, मान लिया राहु नौवें घर में बैठे हैं, अब आपकी पत्री में राहु क्या फल देंगे? अब यहाँ पे उन्होंने 50% आप मान के चलिए शुभ फल प्रदान करेंगे। अब दूसरा 50% कब होगा? जब वृश्चिक लग्न का जो केंद्र के स्वामी हैं चारों, उनमें से कोई स्वामी जो है जब त्रिकोण में नौवें स्थान में राहु के साथ मिलके बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिमाग से ये भी सोचनी है, पता करनी है कि अब वृश्चिक लग्न में जो पहला स्थान है वो मंगल का है, वो वहाँ लग्न के स्वामी हैं। चौथा स्थान जो है वो शनि महाराज का है। सातवां स्थान जो है वो शुक्र का है, वृष राशि पड़ती है वहाँ। दसवां स्थान जो है सिंह राशि है, वहाँ वृश्चिक लग्न में वहाँ पे सूर्य का आधिपत्य है। अब इन चारों के स्वामी में से कोई भी एक स्वामी या कहिए दो स्वामी अगर नौवे घर में जाके राहु के साथ बैठ जाते हैं तो ये प्रबल राजयोग हो गया। आपको राहु की दशा में प्रबल राजयोग प्राप्त होगा ही होगा। अब आप ये सोच लीजिए कि यही स्थिति आप नवमाशा में भी देख लीजिए। नवमाशा में भी अगर आपकी यही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि राहु केतु केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ वो किसी प्रकार का जो है गठजोड़ कर रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए वो अपनी दशा में आपको राजयोग प्रदान करेंगे, बहुत फल प्रदान करेंगे। तीसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि अब अगर मान लिया कि किसी की पत्री में
वृश्चिक लगन का ही उदाहरण लेते हैं कि अगर दस अब नौवें स्थान पे मान लिया कि राहु बैठे हुए हैं कोण में, अब वहां पे त्रिकोण में बैठे हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है वो क्या नाम लेते हैं किसी केंद्र के स्वामी के साथ उनकी वहां पे वो नहीं बैठा है, तो क्या वो राजयोग का फल प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि अब वो कौन से नक्षत्र में बैठे हैं आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कर्क राशि में जो है तीन नक्षत्र पड़ते हैं, पुनर्वसु पड़ता है, अश्लेषा नक्षत्र पड़ता है और पुष्य नक्षत्र पड़ता है। अब देखिए अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हैं बुध, जो कि वृश्चिक लगन में जो है आठवें और ग्यारहवें स्थान के स्वामी होते हैं। अगर राहु उनके नक्षत्र में नौवें स्थान पे बैठा है तो राजयोग आपको नहीं प्रदान करेगा। अगर वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है तो आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो राजयोग 50% था, अब एक और त्रिकोण का स्वामी उसमें मिल गया तो अब वो एक तरीके से मान लीजिए 70% आपको फल देने लगेगा अगर वो पुनर्वसु में बैठे हुए हैं नक्षत्र में तो। और अगर वो बैठे हुए हैं पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है और शनि केंद्र के स्वामी हैं वृश्चिक लगन के लिए, अब उनके नक्षत्र में अगर राहु बैठे हुए हैं तो अब आपको फिर से 100% राजयोग प्रदान करेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों एक और भी बात है, शनि फिर वृश्चिक लगन में उदाहरण के तौर पे जिनके नक्षत्र में राहु अगर बैठते हैं जाके, तो वो किसी खराब स्थान पे ना बैठे हों, जैसे आठवें बारहवें या छठे इन सब स्थानों पे ना बैठे हों, तो वो जो राजयोग का फल है वो कुछ किंचित समझ लीजिए किंचित कम हो जाएगा। अगर वो केंद्र में बैठे होते हैं या त्रिकोण में वो भी बैठे हुए हैं तो राहु का जो राजयोग का फल है वो आपको 100% वैसे ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो बना के मैं आपको एक सिंपल सी यही बात और सिंपल उदाहरण के तौर पे सिर्फ यही बताना चाह रहा था, ये उदाहरण देके कि देखिए आपको अगर पता करना है कि आपके लगन में और आपके नवमाशा में राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, वो राजयोग आपको प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखिए वो मैंने आपको बताने की चेष्टा करी है। अब आप यही स्थिति नवमाशा में भी देख लीजिए, यही स्थिति अपनी लगन में भी देख लीजिए कि अगर लगन में ये केंद्र में और त्रिकोण में बैठे हैं, और अगर केंद्र में बैठे हैं तो त्रिकोण के स्वामी के साथ जो है वो उनके साथ बैठा हुआ है, या उनके नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं, और अगर त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो अगर वो केंद्र में बैठे हुए हैं तो त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं या उनके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जब ये दोनों पार्ट पे वो खरे उतरेंगे राहु और केतु लगन में भी और नवमाशा में भी, तो आप मान के चलिए उनकी दशा के जैसी कोई दशा नहीं होगी, वो बहुत तेज बहुत स्विफ्ट तरीके से काम करेंगे, दूसरे ग्रहों से बहुत तेज काम करते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात सिंपल सी टेक्निक आपको समझ लेनी चाहिए कि बेस्ट राहु और केतु का तब बाहर निकल के आएगा जब वो केंद्र में बैठे होंगे या त्रिकोण में बैठे होंगे, दो बातें। तीसरी बात, जब वो केंद्र में बैठे हों राहु और केतु तो उनके साथ किसी त्रिकोण के स्वामी का जो है कंजंक्शन होना चाहिए, वो उनके साथ बैठे हों, या अगर वो त्रिकोण में बैठे हों तो केंद्र के स्वामी का उनको साथ मिलना चाहिए, वो केंद्र के स्वामी खुद बैठे या उनके नक्षत्र में वो बैठे राहु और केतु, तब आपको पूरा फल प्राप्त राहु और केतु का होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए अब राहु और केतु के द्वारा उत्पन्न सही मामले में राजयोग का पता चलेगा कि आपकी पत्री में राहु और केतु राजयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। यही स्थिति आपको नवमाशा में भी देखनी है। अगर लगन में ये काम हो रहा है और नवमाशा में जाके स्थिति ऐसी नहीं बन रही है बिगड़ रही है, तो आप ये कह सकते हैं अपने विवेक से अपने सामंजस्य से देखते हुए कि राहु और केतु 50% हमारे जो उनकी दशा आएगी या हमारे जीवन में 50% वो सिर्फ जो है हमको
भला करने की स्थिति में होंगे, और दूसरा 50% में वो अपनी स्थिति के अनुसार हमको हो सकता है उठापटक या जीवन में कोई परेशानियां दे दें। और अगर लगन में और नवमाशा में दोनों में उनकी यही स्थिति बन रही है कि वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं लगन और नवमाशा में भी, और उन स्वामियों के साथ उनका जो है चेंज हो रहा है, वो वहाँ बैठे हुए हैं मतलब उनके साथ, तो मान के चलिए भरपूर राजयोग आप लोगों को राहु और केतु की दशा में प्राप्त होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। दोस्तों जय श्री कृष्ण।